So guys, I have been working out for 4 to 5 years now, और एंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट टू क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन द जिम की भाई आर की भाई आपकी ये बॉडी कितने टाइम में बन गई, एंड सेकंड इज विच सप्लीमेंट्स यू आर यूजिंग एंड आपका कितना पैसा खर्च हो जाता है सप्लीमेंट्स यूज़ करने में. तो वी विल बी आंसरिंग वन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस वीडियो. सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज रजत. कीप वॉचिंग द वीडियो, आई विल बैक. सो इन द स्टार्टिंग जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था एंड जिम जाना स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा था कि मैं कभी सप्लीमेंट्स नहीं लूँगा. आई थॉट कि मैं वो बंदा बनूंगा जिसने बिना सप्लीमेंट्स के वीडियो, जिसने बिना सप्लीमेंट्स के अपनी बॉडी बनाई, एंड मैं सिर्फ एग्स खाऊंगा और नेचुरल प्रोटीन जो मिलता है वो खाऊंगा. तो जब तुम स्टार्टिंग में होते हो तुम्हारी नई नई एक्सपेक्टेशन होती, तुम्हें लगता है कि हो सकता है. पर मैं मतलब जिम में जाके अपने जिम ट्रेनर से भी ये पूछता था कि मतलब जिम ओनर से ये पूछता था कि भैया बिना प्रोटीन के बॉडी बन जाएगी, तो कहते हैं भाई नहीं बनेगी, इतना प्रोटीन तुम नहीं ले पाओगे. सो इन द स्टार्टिंग जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम थी, तो एक्स्ट्रा काम चल जा रहा था. बट आफ्टर दैट मैन आई स्टार्टेड ग्रोइंग, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई एंड धीरे धीरे वॉज अ लिमिट कि इसके बाद मैं एग्स नहीं खा पा रहा था. मतलब कितनी बार आदमी कितने एग्स खाएगा, एग्स खा खा के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था. इन द लास्ट ईयर ऑफ द कॉलेज मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदा अपने दोस्त के साथ मिल के. अभी हमने एक 2 किलो का मसल बेस का प्रोटीन सप्लीमेंट का डब्बा खरीदा, जिसको हमने आधा आधा बांटा, क्योंकि ऐसे तो बहुत कम थे, क्योंकि कॉलेज में आपका पैसे नहीं होते. सो व्हाई आई चोज मसल बेस, तो देर आर 2 रीजंस बिहाइंड इट. कि पहला रीज़न ये है कि मसल बेस इतना महंगा प्रोटीन नहीं है, तो अगर आप उस टाइम पे आप प्रोटीन से कंपेयर करें तो ऑन एंड आइसोलेट प्रोटीन्स काफ़ी महंगे थे. बट जो मसल बेस का प्रोटीन है वो काफ़ी सस्ता था एज कम्पेयर टू दोस्त. एंड उस टाइम पे वो नया नया लॉन्च हुआ था, उस पर ऑफर भी काफ़ी अच्छे थे, तो आई स्टार्टेड यूजिंग मसल बेस. और सेकंड रीज़न ये है कि मैंने अपने प्रोटीन्स हमेशा हेल्थ कार्ड से मंगाए, एंड मसल बेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हेल्थ कार्ड. सो जब आप अभी तो फिर भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स के ब्रांड्स हैं, तो जो फेक होने के चांसेस वो काफ़ी कम है. बट उस टाइम पे फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो अगर आप ऑनलाइन खरीदते और ऑनलाइन मंगा देते तो आपके फेक होने के चांसेस थे. तो एज मसल बेस ऑफ द ब्रांड ऑफ हेल्थ कार्ड, सो आई वॉज मुझे ये इंट्यूशन था कि वो अपना ब्रांड तो नहीं फेक सेल करेंगे. बाय द वे मसल बेस इज़ अ प्रिटी गुड प्रोटीन. अगर मैंने उसको 3 से 4 साल तक खाया है, तो अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है तो मसल बेस काफ़ी अच्छा प्रोटीन है. पर उसमें थोड़े से डिसएडवांटेजेस ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ी मिक्सेबिलिटी थोड़ी कम है और थोड़ा शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है. पर मैंने इसलिए दूसरा प्रोटीन ट्राई करूँ क्योंकि मुझे ट्राई करना था. मैं मसल बेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे एक प्रोटीन चाहिए था जिससे मैं उसको कंपेयर कर सकूँ और उसके इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स हो कि कितना डेवलपमेंट मुझे दूसरा प्रोटीन यूज़ करने पे आ सकते हैं. पहले मैं 2 किलो का जो डब्बा है वो 2 किलो का जो प्रोटीन का डब्बा है वो मंगाया था. उसके बाद आई स्विच टू दिस इज वे प्रोटीन, अगर आप देख सकते हैं तो, एंड दिस इज अराउंड 4 किलो. तो अगर आप कम क्वान्टिटी का लेते हैं तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, एंड अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी लेते हैं तो सस्ता पड़ता है. तो दिस प्रोटीन इज़ अराउंड लाइक 6,300 या 200 के अराउंड इसका प्राइस है. तो ये और इसमें 120 सर्विंग्स होती है, तो अराउंड 2 महीने आराम से चल जाता है. तो इसमें इतना ही खर्चा आता है. तो इस प्रोटीन के अलावा मैं और कुछ नहीं लेता हूँ अपनी डाइट में, एंड और सब मैं अपने फूड से खाने से ही लेना प्रेफर करता हूँ. सो दिस इज़ मोर देन इनफ अगर आपको एक फिट बॉडी चाहिए. अगर आप कॉम्पिटिशन के लिए कॉम्पीट करना है तो आप दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, बट इसके लिए काफ़ी है. इस बार दिवाली की सेल पे आई गॉट अ वेरी गुड डील फ्रॉम माई प्रोटीन, सो आई हैव स्विच्ड टू दिस, एंड दिस इज द बॉक्स इन विच मतलब कि 2-3 फ्लेवर्स के मैंने प्रोटीन मंगाए हैं, सब एक साथ मंगाया हुआ और उसके साथ कुछ भी यूज में आया, तो मैं इसके लिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. चले शुरू करते हैं. इसमें पहले तो है मैं एंड ग्रीन का इम्पैक्ट वे, ये तो फ्री है.
वन पैकेट ऑफ इंटेक्ट वे प्रोटीन सॉल्टेड कैरमल फ्लेवर, वन चॉकलेट स्मूथ फ्लेवर, वन चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर, सर थ्री विनर, एक ये माय प्रोटीन की वॉट बटर और एक ये मेट मशीन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे भाई, हमारा बॉक्स खाली हो चुका है एंड सो दिस इज द डील विच आई गॉट फ्रॉम माई प्रोटीन फॉर अराउंड 13,000 to 14,000 रुपीज़। इसमें मुझे तीन प्रोटीन के सप्लीमेंट मिले, दे जो 2.5 किलो के मतलब 2.5 किलोग्राम्स के तीनों सप्लीमेंट्स वही मिले, उसके साथ कुछ फ्रीबीज मिले, एक कुकन फ्लेवर का मतलब 250 ग्राम्स का एक पाउच मिला है, उसके साथ एक वाटर बॉटल मिली है और एक मेटल शेकर मिला है। सो दिस वॉज अ प्रीटी गुड डील और अराउंड जितना मैं वैसे बीच के ऊपर खर्च करता था उतना ही मेरा इसमें खर्च हुआ है। सो दिस इज़ द टोटल मनी विच आई स्पेंड ऑन सप्लीमेंट्स, मतलब अगर एक महीने का देखें तो अराउंड 3,000 to 4,000 का खर्चा सप्लीमेंट्स के ऊपर आता है। एंड अगर आप डाइट अलग से देखें तो उसमें तो खैर मोस्टली मैं घर का खाना खाता हूँ, पर एग्स एंड ओट्स मतलब कुछ चीज़ें हैं जो घर पे नहीं खाए जाते, मेरे घर में एग्स नहीं खाए जाते, सो वो भी है थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा है, वरना दिस इज़ द टोटल अमाउंट विच आई स्पेंड ऑन सप्लीमेंट्स। सो द डिफरेंस बिटवीन माई प्रोटीन एंड मसल बेस्ड प्रोटीन इज दैट कि मसल बेस्ड में अराउंड एक जो सर्विंग होती है वो अराउंड 33 ग्राम्स की होती है, उसमें 25 ग्राम्स प्रोटीन होता है, और माई प्रोटीन की जो एक सर्विंग होती है वो अराउंड 25 ग्राम्स की होती है, उसमें 21 ग्राम्स प्रोटीन होता है। तो मतलब प्रोटीन कंटेंट अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो माई प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा है और इसमें काफ़ी आपको फ्लेवर्स मिल जाते हैं, मतलब जिसमें आपको इतने फ्लेवर्स मिलेंगे तो मुझे थोड़ा सा फ्लेवर को भी चेंज करना था और ट्राई करना था कि दूसरा डिफरेंट फ्लेवर में ट्राई करूँ और दूसरे ब्रांड भी ट्राई करना था एंड सो दैट्स व्हाई आई स्विच टू माय प्रोटीन। अब देखते हैं कि इससे कैसे रिजल्ट आते हैं और मैं आपको अपडेट रखूँगा इसके बारे में। तो इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यू विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली, और अब ब्लॉग्स तो आते ही रहते हैं चैनल पे। सो और हाँ भैया, जिसको लग रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है उसके मुंह में घी शक्कर, ये हमारा एम है इस चैनल के कि एक दिन हमारे पास माई प्रोटीन और दूसरे ब्रांड्स के फ्री में प्रोटीन आए और हम का रिव्यू करें, ठीक है। तो थोड़ा सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हैं मैं इन प्रोटीन्स का फ्लेवर का भी आपको रिव्यू दूँ और आपको बताऊँ कि कौन सा फ्लेवर कौन सा बेटर है, एंड अगर आपको इसका भी रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इसके बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। बाय।